जब भी किसी भी लैब के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पर टेक्नीशियंस जो हैं वो अपना अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं या लैब के प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक टेक्नोलॉजिस्ट का होना या एक टेक्नोलॉजिस्ट एम्प्लॉय का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसने उन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करना होता है और रेगुलेट करने के बाद जो है वो उन चीज़ों को प्रूव करवाना होता है। तो इस वजह से उन जगहों पर जहाँ पर टेक्नीशियन लैब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पर एक टेक्नोलॉजिस्ट का होना भी जरूरी होता है। टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो रिव्यू करता है और चेक करता है कि टेक्नीशियन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसको प्रूव करता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो एक टेक्नीशियन को सुपरवाइज भी करता है। तो इस तरह जिस तरह हमने बात की कि एक लैब के अंदर एक लीडर की क्लिनिकल लीडर जो है वो उस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके स्टेटस हैं और इनके जो है वो अपने अपने ओहदे हैं। जिसकी तरह अगर हम बात करें टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन को सुपरवाइज कर रहा है एक टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट को सुपरवाइज कर रहा होता है कोई सुपर उसका जो सुपरवाइजर इंचार्ज है या फिर जो है वो मैनेजर है, उसके बाद आ जाता है और मैनेजर को आगे मैनेजर के बाद एक पैथोलॉजिस्ट आ जाता है। तो इसी तरह पैथोलॉजिस्ट से मूव करते हुए अगर हम बात करें तो वो सीईओ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। यानी कि ये एक लीडर है, एक सीढ़ी है जो स्टेप बाय स्टेप जो है एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना होता है, जो एक बंदा दूसरे बंदे को रिव्यू कर रहा होता है या दूसरे बंदे को सुपरवाइज कर रहा होता है ताकि गलती या एरर्स के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो। क्योंकि ये काम जो है वो वैसे ही एक बहुत क्रिटिकल है, और टेस्ट रिपोर्ट्स देना या टेस्ट परफॉर्म करना ही बहुत क्रिटिकल है लैब के अंदर। तो इस वजह से किसी की जिंदगी के साथ खेलने से बेहतर है कि पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास चार्ट हो जिसके थ्रू जो है ये तमाम के तमाम प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स के एस्टेब्लिशमेंट और जो टेस्ट की प्रोफिशिएंसी है उनको चेक करना, ये एक मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर के का एक इम्पोर्टेंट टास्क है कि वो ये भी देखे कि क्या टेस्ट की प्रोफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है या टेस्ट जो है वो बिल्कुल ठीक परफॉर्म हो रहे हैं, या अगर हम कहें कि क्वालिटी कंट्रोल जो प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो इफेक्टिव हैं भी या नहीं। यानी कि अगर हम क्वालिटी कंट्रोल्स चेक करें भी तो वो काफ़ी ठीक हैं, हमारे टेस्ट जो हैं वो उससे हमें बिल्कुल सही पता चल रहा है कि हमारे टेस्ट परफॉर्म ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये तमाम चीज़ों को टैकल करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर के लिए। टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं इनके पास चूंकि नॉलेज होता है तो वहाँ लेबोरेटरी के अंदर जितने भी एरियाज हैं उनमें किस तरीके से काम करना है उनके बारे में इनके पास नॉलेज भी होता है। और अगर ये अपने आप को कन्फाइन भी कर लें किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर भी, तो वहाँ पर भी जो है ये अपने वर्क को अपने वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना इनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहाँ पर उस डिपार्टमेंट के अंदर जो है फिर वैसे ही एक टेक्नीशियन लेवल एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, उनके उनको सुपरवाइज करते हैं, उन्हें लीड कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं और उनके चेक एंड बैलेंस को भी मेंटेन रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक लेवल है टेक्नीशियन लेवल का जो कि दैट इज ऑल्सो मेडिकल लेबोरेटरी वर्कर, तो इन्हें हम लोग टेक्नीशियंस भी कहते हैं। यानी कि जब भी एक लैब के अंदर एम्प्लॉय होते हैं तो एज अ टेक्नीशियन इन्हें बुलाया जाता है। और इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो है वो इनके पास एसोसिएट डिग्री, एक कोई भी एटलीस्ट एसोसिएट डिग्री जो है वो प्रोग्राम हो लैब साइंसेज के हवाले से, और ये किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो एक रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। तो अगर आप देखें जो भी हमने बातें की पहले हम अब टेक्नीशियन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन से ऊपर पहले हमने टेक्नोलॉजिस्ट की बात की, फिर टेक्नोलॉजिस्ट से पहले हम जो है वो सुपरवाइजर्स की और फिर लैब मैनेजर्स की बात कर रहे थे, और लैब मैनेजर्स से ऊपर हम जो है वो डिफरेंट जो है वो पैथोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, और पैथोलॉजिस्ट से पहले हम सीईओ या एडमिनिस्ट्रेटिव्स की बात कर रहे थे। तो ये फिर मैं दोबारा से आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक लैब के अंदर काम करने वाले जो हैं वो एक लीडर की हैसियत रखते हैं। स्टेप बाई स्टेप इनकी जो कारकर्दगी है या इनका जो लेवल ऑफ वर्क है वो स्टेप बाई स्टेप बढ़ता जाता है। टेक्नीशियंस जो हैं ये ज़्यादातर रिपीटिशियस टास्क ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, और चूंकि इनके पास कोई खास प्रोसीजर्स में भी कोई इनकी मॉडिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती, ये इस हवाले से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबॉरेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको जज करें, और जज करने के बाद डिसीजंस लें। ऐसा कुछ भी टेक्नीशियन नहीं करते और ना ही ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसा करने के लिए। इसके अलावा इनके पास ये भी अहमियत नहीं होती है, ये इस हवाले से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते कि जी हम अपनी मर्जी से कोई मेथडोलॉजी यूज़ करें, लैब के जो टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे होते हैं उस हवाले से भी कोई अपनी मर्जी से मेथडोलॉजी को यूज़ करें, ऐसा भी इनके पास इख्तियार नहीं होता। जो मेथडोलॉजी जो इनके सीनियर्स या जहाँ जो उस एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर रूल पास किए होते हैं कि इन मेथड्स को यूज़ करना है, उन्हें वही इस्तेमाल करना इनके लिए
जरूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं एज अ बेंच टेक या बेंच टेक्नीशियन जिसे हम लोग कहते हैं उसमें, और इनका भी जो काम है वो एज क्लोज टू टेक्नोलॉजिस्ट ही होता है, यानी कि जिस तरीके से एक टेक्नोलॉजिस्ट लेवल पे इंसान लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करता है, उनको जांच पड़ताल करता है, देखता है, इसी तरह टेक्नीशियन भी कर रहा होता है, लेकिन टेक्नीशियन के पास कोई भी डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास होती है। तो इस तरीके से ये आपस में टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो रिजेंबल भी करते हैं, लेकिन इनके डिग्री प्रोग्राम्स की बुनियाद पर और इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पर ये आपस में डिफर भी या डिफ्रेंशिएट भी करते हैं। इसी तरह अगर हम इनके सुपरविजन को देखें तो जो टेक्नीशियन है ये दूसरे वर्कर्स को वैसे तो सुपरवाइज नहीं करते मां सिवाय उनके कि जिन लेबोरेटरीज के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट्स रखे हुए होते हैं, और जिन लेबोरेटरीज में लेबोरेटरी असिस्टेंट्स मौजूद होते हैं उनको ये सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखते हैं। इन लेबोरेटरी असिस्टेंट्स का वैसे काम जो है वो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन चूंकि लेबोरेटरी प्रोसीजर्स तो परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन इनका क्लरिकल वर्क होता है, ये एंसिलरी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो टेक्नीशियन जो है वो अगर देखा जाए तो ये फ्लेबोटमिस्ट के भी क्लोज हैं, और फ्लेबोटमिस्ट के क्लोज होने के अलावा जो है ये टेक्नोलॉजिस्ट के भी क्लोज हैं, लेकिन ये है कि टेक्नीशियन जो है वो फ्लेबोटमिस्ट को डायरेक्शन भी दे रहे होते हैं, उन्हें बता भी रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपना काम करना है। इसलिए अगर हम बात करें कि किसी भी लेबोरेटरी वर्कर्स के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का लेबोरेटरी वर्कर हो, उसको बताना ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, उसे एजुकेट करना, ये कंटिन्यू एजुकेट करना ये जरूरी होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने लेबोरेटरी वर्कर्स को कंटिन्यू एजुकेशन दे और उन्हें सर्विसेज के बारे में साथ साथ बताते रहे। टेक्नीशियन के बाद जो है हमारे पास एक लेवल ऑफ लेबोरेटरी वर्कर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लेबोटमिस्ट। तो फ्लेबोटमिस्ट जो है लिटरली इसके अगर मीनिंग की बात करें तो दैट इज द वेन कटिंग, इसके लिटरली मीनिंग है। और अगर हम बात करें टेस्ट के लिए कि टेस्ट की रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या है, तो टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो है जो काम है, रिस्पॉन्सिबल काम है, वो फ्लेबोटमिस्ट का है कि वो किस तरीके से एक स्पेसिमन को अटेन करता है, किस तरीके से उसकी स्टोरेज करवाता है, एडिक्वेट स्पेसिमन के अंदर उसको रखता है, और सैंपल को किस तरीके से जो है वो लेता है, ये तमाम काम जो है वो एक फ्लेबोटमिस्ट के पास होते हैं। कि फ्लेबोटमिस्ट जो है वो जितना अच्छा ट्रेंड होगा, उसके पास जितनी ज्यादा टेक्निक्स होंगी ब्लड को कलेक्ट करने की, उतना ही वो किसी भी पेशेंट को परेशान करने से परेशान करने से रुक सकता है या परेशान नहीं कर सकता। यानी कि जितना फ्लेबोटमिस्ट जो है वो जितना वेल ट्रेंड होगा पेशेंट, उतना ही कम परेशान होगा, और जितनी उसके पास टेक्निक्स होंगी ब्लड को कलेक्ट करने की, उतना ही पेशेंट जो है वो, अगर हम बेसूरत अल्फाज दीगर अगर हम बात करें कि जो आपका कस्टमर है वो तकलीफ में जब कम जाएगा या परेशानी का कम बाइस बनेगा तो उतना ही ज्यादा गुड कस्टमर बनेगा। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक फ्लेबोटमिस्ट जो है वो एक की रोल अदा कर रहा होता है, क्योंकि एक पेशेंट का जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो एक फ्लेबोटमिस्ट के साथ ही पड़ता है। वो फ्लेबोटमिस्ट चूंकि वो ले रहा होता है ब्लड को, सैंपल को ले रहा होता है, उसने आगे इसको परफॉर्म करवाना होता है टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजिस्ट के थ्रू। जिस तरीके से एक टेक्नीशियन के लिए भी एक डिग्री, एसोसिएट डिग्री होना जो है वो जरूरी होता है, इसी तरह फ्लेबोटमिस्ट के लिए भी जो है वो अप्रूव्ड फ्लेबोटमी प्रोग्राम की डिग्री होना भी जरूरी होता है। और अगर हम देखें तो अब तो इनको जो है वो एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी हो चुकी हुई है कि इन्हें जो है वो सर्टिफाई भी किया जाए। तो कुछ जो एजेंसीज हैं रजिस्ट्रेशन की, जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट की हैं, जिन्हें जो रजिस्टर्स करती हैं, जैसे आई के एम टी है, वो फ्लेबोटमिस्ट को भी सर्टिफाई करने की सोच रही हैं और उन्हें सर्टिफाई कुछ करती भी हैं। तो इसलिए जहां पर बात करने का मकसद ये है कि जहां पर टेक्नीशियंस और टेक्नोलॉजिस्ट को सर्टिफाई, उनको रजिस्टर्ड करवाया जा रहा है, वहां पर जो है एक फ्लेबोटमिस्ट के लिए एक फ्लेबोटमी जो प्रोग्राम है उसको अप्रूव करवाया गया और फिर बाद में उनको भी सर्टिफाई किया गया। इसके अलावा जो फ्लेबोटमिस्ट हैं उनके पास एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, और किस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज को लेके चलना है वो उनके पास उन्हें पता हो, और कौन कौन से टेस्ट के लिए कौन कौन से स्पेसिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ये भी उन्हें पता होना चाहिए।
फ्लेबोटमिस्ट को बहुत ज्यादा मैनुअली डेक्सट्रेटी होना चाहिए और किसकी जल्दी जितनी उसके अंदर फुर्ती या तेजी होगी उतना ही अच्छा फ्लेबोटमिस्ट भी होगा। एक्चुअली जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को बताया कि फ्लेबोटमिस्ट जो है चूंकि फर्स्ट इंप्रेशन भी फ्लेबोटमिस्ट के साथ ही होता है पेशेंट का, तो जितना अच्छा वो एक पेशेंट को डील करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, उसके साथ बात करके उसको रिलैक्स करेगा कि अगर उसे वेन से ब्लड को लिया जाए या फ्लेबोटमिस्ट जो है वो ब्लड ले भी वेन से तो उसको दर्द का एहसास ना हो, उसको रिलैक्स इस तरीके से करे, उसके साथ कम्युनिकेशन इस तरीके से करे, तो एक फ्लेबोटमिस्ट के पास ये स्किल्स भी होना जरूरी है। बट सम फैसिलिटीज प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन विच अ हाई स्कूल ग्रेजुएट इज पेयर्ड विद एन एक्सपीरियंस्ड फ्लेबोटमिस्ट and most of the knowledge is of an informal nature through the gradual attainment of experience and practice. Most agencies require continuing education each year to maintain certification. तो कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो कि हर साल सर्टिफाई भी करती हैं और अपनी सर्टिफिकेशन को मेंटेन भी उन्होंने किया हुआ है। मकसद ये है कि फ्लेबोटमिस्ट एक्सपीरियंस होने चाहिए और उनको जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है, किस तरीके से उन्होंने पेशेंट को डील भी करना है। तो थ्रू द ग्रेजुअल अटेनमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि उनके पास एक्सपीरियंस का होना, ये हाई स्कूल ग्रेजुएट जो है वो एक्चुअली इनके साथ पेयर किए हुए हैं कि जहां पर जॉब, कहने का मकसद ये है कि जहां पर जॉब ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं वहां पर उन्हें एजुकेट भी किया जा रहा है, वहां पर उन्हें एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है, क्योंकि दो डिफरेंट चीजें हैं, या तो आप एजुकेशन देंगे थ्योरेटिकली और दूसरी चीज है कि आप उसे एक्सपीरियंस दें थ्रू प्रैक्टिकली। तो दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जो है वो एक फ्लेबोटमिस्ट के लिए जरूरी है कि फ्लेबोटमिस्ट को प्रोवाइड करना जरूरी है, क्योंकि फ्लेबोटमिस्ट को एक एजुकेशन भी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस तरह मैटर्स को या किस तरीके से पेशेंट्स को डील करना है और उसका किस तरीके से उसे सोल्व करना है प्रॉब्लम्स को, तो ये भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ उसे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ताकि फिर इनको सर्टिफाई भी किया जाए। इन्हीं बेसिस की बुनियाद पर इन्हें सर्टिफिकेशन किया भी जा रहा है और कुछ एजेंसीज हैं वो इन्हें हर साल सर्टिफाई करती भी हैं ताकि इनके अंदर और ज्यादा से ज्यादा बिक्री आती जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे कुछ पॉइंट्स से एक लैब के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, लेबोरेटरी वर्कर्स हैं, वो कौन कौन से स्टेप पे होते हैं और उनकी क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, उनकी क्या क्या कारकर्दगी होती है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ही खत्म होता है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।